पहुंचे हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायाधीश केसी पुरी। बाल विवाह और बालिका शिक्षा को लेकर किया सेमिनार को संबोधित। कहा, पंच सरपंच हो जाए जागरूक तो रुक सकता है बाल विवाह। उनका मानना, पंच और सरपंच के बिना संपन्न नहीं होता इलाके में कोई भी विवाह। पंच सरपंच समझे जिम्मेदारी तो रुक सकती है बाल विवाह जैसी बुराई। पंच और सरपंचों सहित अधिकारियों के लिए जस्टिस केसी पुरी ने ली मीटिंग। बाल विवाह को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून की भी की प्रशंसा। कहा, इससे रुकेगा बाल विवाह। जी हां, फतेहाबाद में आज हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य और न्यायाधीश केसी पुरी पहुंचे। केसी पुरी के द्वारा बाल विवाह रोकने और बालिका शिक्षा को लेकर पुलिस लाइन में एक सेमिनार को संबोधित किया गया। इस सेमिनार में आंगनबाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर, महिला पंच और सरपंचों ने भाग लिया। इस सेमिनार में मानव अधिकार आयोग के सदस्य के द्वारा बाल विवाह जैसी बुराई पर काबू पाने के लिए सबसे सहयोग की अपील भी की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए न्यायाधीश केसी पुरी ने कहा कि बाल विवाह जैसी बुराई को रोकने के लिए उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव के पंच और सरपंचों को भी जागरूक किया जा रहा है। वहीं उनका मानना है कि इलाके की कोई भी शादी गांव के पंच सरपंच के बिना नहीं होती, इसलिए अगर पंच सरपंच बाल विवाह को लेकर जागरूक हो जाए तो इस बुराई पर जल्द काबू पाया जा सकता है। उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा बाल विवाह को लेकर लाए गए नए कानून की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस नए कानून में 15 से 18 वर्ष की आयु की युवती के साथ शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाने पर दुष्कर्म का केस दर्ज होगा। इस कानून से बाल विवाह पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन हरियाणा। आज का प्रोग्राम था जो चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रेन करने के लिए और गर्ल एजुकेशन के लिए, ये उसके लिए प्रोग्राम था। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका मेन मकसद था ये कि जो बच्चों में बच्चों की मैरिज कर देते हैं उसके जो इल बुरे प्रभाव पड़ते हैं वो उससे बचाने के लिए चाइल्ड मैरिज को रोका जाए और जो गर्ल एजुकेशन है उसको बढ़ाया जावे ताकि वो अपनी लाइफ में कामयाब हो सके। जो आज का प्रोग्राम यही है जिसमें पंच सरपंच ANM सारे इकट्ठे हुए हैं। ज्वाइंट सेफर एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी मदद की है हमारी के भी इस प्रोग्राम को जो करने के लिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी बिल पास किया है कि जब जो एज है 15 से 18 कर दी गई है कि मैरिज के बाद अगर कोई सेक्स करता है उसकी एज 15 और 18 है उसको भी रेप समझा जाएगा। ये जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट तो देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इसको जो ग्रास रूट पे पहुँचाना जो वो हमारा कोशिश है। पंचों की यहाँ जिम्मेदारी लगाएगी है कि जिस तरह से बाल विवाह जो उनके गांव में? नहीं देखो अभी तक जिम्मेवारी तो एक्ट में तो कोई नहीं लिखा हुआ, पर मेरी अपना मानना है कि कोई भी शादी बिना पंच सरपंचों के शामिल हुए बिना नहीं करते आम तौर पे, ज़रूरी नहीं है। फिर इसलिए उनके नैतिक और मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाती है कि भी जाके इस जो कोशिश करें कि इस प्रकार का जो चाइल्ड मैरिज है ना हो और जो है गर्ल को एजुकेशन पूरी मिले।